नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आपका स्वागत है। शुरुआती दौर से ही झारखंड की धरती खेल के क्षेत्र में अपना परचम लहराती रही है। यहाँ के युवा और खेल के क्षेत्र में जुड़े लोग कई सदियों से, कई दशकों से देश और दुनिया में अपना परचम लहराते रहे हैं। और बात करें राष्ट्रीय खेल हॉकी की, तो ये यहाँ की धरती इसके लिए एक नर्सरी साबित हुई है। राजधानी से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिमडेगा में दशकों से हॉकी का क्षेत्र जुड़ा रहा है। यहाँ का बच्चा बच्चा हॉकी के खेल से जुड़ा रहा है और इस क्षेत्र को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग इस खेल को सिर्फ एक खेल मात्र नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की तरह जीते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से सिमडेगा हॉकी के क्षेत्र में झारखंड को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला रहा है। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 150 किलोमीटर दूर प्राकृतिक सुंदरता से आच्छादित जिला सिमडेगा हॉकी के क्षेत्र में पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई है। सिमडेगा जिले में ऐसा माहौल है मानो आप ऐसे इलाके में हैं जहां सिर्फ हॉकी खेला जाता है। नमस्कार जोहार दर्शकों, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम इस वक्त हैं सिमडेगा जिले में। सिमडेगा कभी नक्सल की दंश झेलता रहा है लंबे समय से। वर्तमान में सिमडेगा जिला के हालात बदले हैं। प्रशासन और सरकार की पहल से यहाँ के सामाजिक व्यवस्था में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों ही नहीं, शहरी क्षेत्रों में भी आज सिमडेगा की एक अलग पहचान बन चुकी है। शिक्षा ही नहीं, खेल जगत में भी सिमडेगा की एक अलग पहचान राष्ट्र स्तर पर नहीं विश्व स्तर पर भी बन रही है। सिमडेगा से असुंता और कई तरह की हॉकी खिलाड़ियां हुई जो अपने सिमडेगा जिला का नाम विश्व स्तर पर लेकर के चली गई हैं। हम उन्हीं कुछ हॉकी खिलाड़ियों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो वहाँ से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से सिमडेगा जिले में और फिर अन्य राष्ट्रीय स्तर या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहुँचने में उनको किस तरह की परेशानी और किस तरह का समस्याओं का सामना करना पड़ा है। मैं अपना स्कूल में हॉकी खेलने सीखी। वहाँ पे जो मेरे फादर बेनेडिक्ट कुजूर थे वो हमें सुबह शाम प्रैक्टिस कराते थे, वही सिखाते थे हम लोग को। वहाँ पे आपके जो स्कूल के प्रिंसिपल थे वही आपके प्रेरणा स्रोत थे, वही आपको खेलना सिखाए। हाँ, आज आप कहाँ तक पहुँच पाई इस खेल में? अभी तो मैं इंटरनेशनल तक पहुँच चुकी हूँ। उसके इंटरनेशनल स्तर तक पहुँच गई। कहाँ कहाँ पर आप खेली? फर्स्ट टूर मेरा अंडर 18 एशिया कप था और सेकेंड स्पेन था और फिर थर्ड ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, थाईलैंड था। इस छोटे से शहर सिमडेगा से निकल के आप पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हॉकी के खेल को आप पहुँचे, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है हमको। सिमडेगा जिला को झारखंड में खेल की नर्सरी के रूप में भी जाना जाता है। सिमडेगा जिले की बेटियों ने हॉकी को कैरियर के साथ जोड़ा है। एक खिलाड़ी का दिनचर्या सुबह जल्दी उठना पड़ता है और हमारा ग्राउंड का टाइम सुबह 5 बजे है, तो हमें 4 बजे या 4:30 बजे उठ जाना पड़ता है, फिर 5 बजे रिपोर्ट देना पड़ता है ग्राउंड में। तो ग्राउंड में रिपोर्ट देना पड़ता है, फिर प्रैक्टिस के बाद फिर से दौड़ा दौड़ी जाके रेडी होके फिर स्कूल जाना पड़ता है। तो उसके लिए लगन होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कड़िया करेंगे तो ऐसा करना संभव नहीं होगा। आलस नहीं करना, आलस का त्याग करना, खेल के प्रति पूरा समर्पित रहना। यस सर। अगर हम खान पान की बात करते हैं तो खान पान में कौन सा खाना खाती हैं ताकि आपका शरीर जो है एकदम फुर्तीला रहे और आप अच्छे तरीके से खेल पाएँ? हमें तो अभी खेल विभाग की तरफ से हर रोज़ दूध, ब्रेड, केला, अंडा, चना इत्यादि मिल रहे हैं। संभव इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम मेहनती हैं और हमारे कोच प्रतिमा बरवा वो भी मेहनती हैं। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो उसे बार बार कराते हैं, तो इसीलिए हम वो कैच कर पाते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और अभी नेशनल लेवल पे हमारे ही सेंटर के ज़्यादा मतलब खिलाड़ी रहते हैं। आगे की क्या रणनीति है और कितने खिलाड़ी जो हैं मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेलने के लिए मतलब तैयार खड़े हैं कि नहीं, उनका सिलेक्शन होने वाला है? अभी वैसे हैं 4-5, अगर मेहनत करेंगे तो और भी निकलेंगे। तो बस हमें मेहनत करना है और अपनी कोच का कई बातों को सुनना है और उसको फॉलो करना है, मेहनत करना है बस। उस टाइम ऐसा लगता है जैसे मैं पूरे वर्ल्ड में अकेली हूँ और इंडिया टीम के लिए खेल रही हूँ। अब तक मैं नहीं खेली हूँ लेकिन
कोशिश है मेरी कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ और वो एहसास अपने में फील करूँ। आपके जिला के बहुत सारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच रहे हैं, वो आपको क्या बतलाते हैं हॉकी के बारे में? वो आते हैं जब खेल के तो वो बताते हैं कि मैच ऐसा हुआ, हमें बहुत मज़ा आया। सभी स्टेज मतलब ग्राउंड के बाहर जो ऑडियंस रहते हैं वो प्रोवाइड कर रहे थे, तो हमें बहुत अच्छा लगा और उन्हीं की वजह से आज इतना अच्छा खेले और अपने आप में इतना गर्व महसूस हुआ, ऐसा बोलते हैं तो लगता है कि हम भी वहाँ तक पहुँचे। तो आशा है हम लोग मेहनत करेंगे और वहाँ तक हम भी पहुँचे। जिले के स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों ने पढ़ाई के साथ साथ हॉकी खेल को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया है। स्कूलों में अध्ययनरत लड़कियां बताती हैं कि वर्तमान समय में पढ़ाई के साथ साथ खेल को आगे बढ़ाने में उनके माता पिता, परिवार के अन्य सदस्य सहित हॉकी कोच का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। 2008 से लगातार मैं यहाँ सेंटर में हूँ और बच्चों को मैं एक प्रेरणा देती हूँ, क्योंकि यहाँ सब गांव के बच्चे हैं। स्कूल में बच्चे लोग खेलते हैं अपने अपने स्कूल में, लेकिन उतना बारीकी से नहीं खेलते हैं। लेकिन हमारे सेंटर में जब बच्चों को ले आते हैं प्रतिभा खोज के दौरान, जो रनिंग करने सकते हैं ऐसे बच्चे को लाते हैं और उन बच्चों को यहाँ पे एक बिगनर बच्चा को ड्रिबल करने से लेके एडवांस स्किल तक सिखाना पड़ता है। तो बच्चों का स्टैंडर्ड पे निर्भर करता है। जो गांव से आता है उस बच्चा को रेगुलर ड्रिबल, रनिंग करना, बॉल के साथ गोल एरिया में शूट करना, ये सब सिखाते हैं और वो बच्चे सीख जाते हैं। उसके बाद उनको हम इंडिविजुअल, जो बच्चा थोड़ा खेलने जानता है उनको खेल प्लानिंग कराते हैं, जो बच्चा नहीं कर पाता है उनको उसी स्किल को रिपीट कराते हैं और बच्चों को हम प्रोत्साहन करते हैं। देखो हमारे जिला बहुत पिछड़ा है, यहाँ पे अगर MCC लोग एक दिन बंद बोल देने से दूध ब्रेड तक नहीं मिलता है, तो हम इतने नीचे क्षेत्र से हैं, तो हमें कोशिश करना है कि अच्छा से अच्छा जगह पहुँचने के लिए। इसीलिए बच्चे लोग मनोबल से खेलते हैं। और जब गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बरियातू था तो सबसे पहले सेंटर वहीं था। हम लोग जब भी खेलने जाते थे 10 गोल 12 गोल से हार के आते थे, लेकिन अब ऐसे हो गया कि झारखंड में सिमडेगा सेंटर टॉप पे आ गई कि हम सभी को हरा सकते हैं अपने एज ग्रुप में झारखंड में। लड़कियां बताती हैं कि वर्तमान समय में वह पढ़ने में तो ध्यान दे ही रही हैं, लेकिन हॉकी खेल पर उनका अधिक से अधिक ध्यान रहता है। यही कारण है कि सिमडेगा जिला की कई नामचीन लड़कियां हॉकी के क्षेत्र में पूरे विश्व में अपना डंका बजा चुकी हैं। जी, हम लोगों के समाज में कोई किसी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है, ताकि पढ़ने का भी ज़्यादा मौका नहीं मिलता है, इसलिए पढ़ भी नहीं पाते हैं। लेकिन मेरे पापा हैं जो हमें सहयोग दिया और बोले कि, गांव के लोग भी बोलते थे कि क्यों आपका बेटी को खिला रहे हैं, लेकिन पापा बोले कि क्यों, क्योंकि मेरा मन था कि हम खेलें और पापा का भी हौसला था कि मेरा बेटी खेले होकर अपना देश का नाम रोशन करे, अपना समाज का, अपना राज्य का, अपना जिला का। मध्य विद्यालय करंगागुड़ी, उसमें हमारे फादर हैं बेनेडिक्ट कुजूर, वो हमें ट्रेनिंग देते थे सुबह शाम। हमें आना पड़ता था शाम में सुबह में प्रैक्टिस के लिए, स्टिक नहीं मिलते थे तो फादर से डांट मिलता था क्यों स्टिक नहीं लाए, तो हमें सुबह शाम स्टिक लाना पड़ता था। आप बताएं कि बचपन से आप इस खेल को खेलते आ रही हैं और बचपन से अभ्यास करते आ रही हैं, बचपन का अभ्यास और एस्ट्रोटर्फ का अभ्यास दोनों में कितना अंतर है? बचपन का अभ्यास में मतलब हम लोग ऐसे ही कुछ वजह से स्टॉपिंग कर लेते थे, अभी एस्ट्रोटर्फ मिल गई है तो हम लोग को ज़्यादा झुक के रहना पड़ता है ताकि हम लोग स्टॉपिंग कर सके। खेल के प्रति सब कुछ निछावर करने वाली लड़कियों की माने तो घोर गरीबी, भूखे पेट, फटे कपड़े पहनकर यहाँ की खिलाड़ियों ने, खासकर आदिवासी बेटियों ने कैसे हॉकी पर अपना डंका पूरे विश्व में बजाया है यह पूरी दुनिया जानती है। वे बताती हैं कि हॉकी खेलने के प्रति उनका जुनून कोई नया नहीं है,
बल्कि यह तो सिमडेगा जिले की रग रग में बसा इतिहास है। पहले तो मैं बांस स्टिक से हॉकी खेलना स्टार्ट किया, उसके बाद एक फल शरीफा का फल रहता था उसको बॉल बना के खेलती थी, उसके बाद नंगे पैर खेलती थी, शूज नहीं था। उसके बाद यहाँ सिमडेगा सेंटर आई, उसके बाद हॉकी झारखंड खेल विभाग ने हमको ये किट वगैरह का ये प्रोवाइड किया। जो बच्चे गांव से आते हैं तो उनको नॉलेज नहीं होता है, गांव में वहां टेक्निकल के आधार से नहीं सिखाते हैं स्किल, और यहां स्टोटर्फ है तो हर एक पार्ट पे हर एक स्किल हर एक टैक्टिस अलग तरह से सिखाना पड़ता है। हम लोग भी एनी टाइम वीडियो में देखते हैं जो बाहर फॉरेनर लोग सिखाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि उसी तरह से इनका सबसे पहले तो फिजिकल एक फिट करते हैं, उसके बाद स्किल कराते हैं, उसके बाद इनको मैच के लायक बनाते हैं। अभी आपके केंद्र में कितने खिलाड़ी यहाँ पे नामांकित हैं खेलने के लिए? ऐसे सरकार के नियमानुसार हमारे पास 25 खिलाड़ी हैं, उसके अलावे भी वो अपने खर्च से रह रही हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 32 खिलाड़ी हैं, और इसी में से चार खिलाड़ी अभी इंडिया टीम में है। एक सालिमा टेटे जो इसी सेंटर की है, सीनियर टीम में कैंप के लिए बेंगलोर गई हुई है। उसके बाद जूनियर टीम में चार खिलाड़ी हैं, वो लोग भी कैंप में जा रहे हैं और वो लोग अच्छा कर रहे हैं कैंप में। केवल हमारे देहात क्षेत्र के हैं, इसीलिए टेक्निक अच्छा है, रनिंग अच्छा है, लेकिन जो बाहरी एक्टिविटी है जो बोलना है हम लोग वो नहीं कर पाते हैं, तो इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अब बेटियों को माँ बाप बेटे से ज़्यादा प्यार देते हैं, बेटियों को आगे बढ़ाने में माँ बाप का पूरा योगदान रहता है। तो आज में जो लड़कियां स्पोर्ट्स में आती हैं, जो लड़के स्पोर्ट्स में आते हैं वो लोग स्कूल में रहते हैं, ड्रॉप आउट रेशियो कम हो रहा है एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होने से बच रही हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन इन लोग का ये है। सेकेंडली, जब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चर सीजनल है, रेन फेड है, तो ऐसे स्थिति में इनको डेफिनेटली जो यहाँ से खेल के नेशनल खेलती हैं तो इनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलता है, रेलवे हो गया या किसी और संस्था में इनको चांस मिलता है। फिर और समझना होगा कि इनके लिए यूनिवर्सिटीज़ में कोटा होता है, स्पोर्ट्स कोटा होता है, उनसे अच्छे जा रहे हैं और इनको एम्प्लॉयमेंट के भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो आपने देखा कि किस तरह हॉकी जो कि हमारा राष्ट्रीय खेल है सिमडेगा क्षेत्र में अपनी एक नई पहचान बना रहा है और यहाँ के युवाओं को भी एक नई पहचान दे रहा है। इसी के साथ कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको लिए चलते हैं कुल्हान क्षेत्र में, जहाँ पर कंप्यूटर का प्रशिक्षण पाकर यहाँ के युवक आत्मनिर्भर हो रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज कंप्यूटर का युग है और हर क्षेत्र में कार्य करने के लिए जुड़े रहने के लिए बेहद ज़रूरी है कि इस तकनीक को सीखा जाए। तो यहाँ के युवाओं को रोजगार से तैयार करने के लिए, रोजगार से जोड़ने के लिए इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो देखते हैं किस तरह से कोल्हान क्षेत्र के युवक और युवतियाँ इसका प्रशिक्षण पाकर आगे बढ़ रहे हैं। आज के इस दौर में समूचा विश्व एक सूत्र में बंधता चला जा रहा है। सूचना एवं तकनीकी दृष्टिकोण में भी पहले की अपेक्षा इन दिनों अभूतपूर्व विकास हुआ है। एक छोटे से कंप्यूटर के जरिए विश्व के किसी भी कोने से जुड़ा जा सकता है और साथ ही साथ इसे आमदनी का एक जरिया भी बनाया जा सकता है। यहाँ के युवक और युवतियों को प्रशिक्षित कर उनको अपने पैरों पर खड़ा किया जा रहा है। यहाँ साथ ही साथ कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जा रही है। कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या प्रावधान है, कैसे बच्चे यहाँ आते हैं, आइए यहाँ के ट्रेनर से जानते हैं कि ट्रेनिंग देने में इनकी क्या सुविधा होती है और कैसे बच्चों को ट्रेन करती हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रश्मिता प्रधान है, मैं यहाँ आईटी की ट्रेनर हूँ और मेरा क्वालिफिकेशन है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। यहाँ पे मेरा जो जॉब रोल है वो है डोमेस्टिक आईटी हेल्प डेस्क अटेंडेंट। यहाँ पे कंप्यूटर का नॉलेज पहले दिया जाता है जिसमें कि फंडामेंटल्स बताया जाता है,
फंडामेंटल्स में हमारे यहाँ पे जो कंप्यूटर्स किया है उसका हार्डवेयर पार्ट, सॉफ्टवेयर पार्ट, जो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, उसके अलावा एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये बताया जाता है। देन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन क्या होता है ये बताया जाता है। उसके अलावा हम लोग का भी जॉब रोल आता है जिसमें कि बीपीओ सेक्टर रिलेटेड बताया जाता है कि कस्टमर्स का क्वेरीज़ क्या है, उसको रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करना है, कस्टमर का जो भी प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करना है, ये हम लोग का कोर्स है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है 3 मंथ्स का। मेरा कोर्स ड्यूरेशन है 440 आवर्स का और इसमें ट्रेनिंग पर डे आपका 4 आवर्स का होता है, फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग्स, जिसमें कि 30 स्टूडेंट्स का ट्रेनिंग होता है, एक बैच में 30 स्टूडेंट्स। उसके अलावा यहाँ पे प्रॉपर वे से लैब प्रोवाइड किया गया है और सारा इक्विपमेंट अवेलेबल है यहाँ पे, स्टूडेंट्स को प्रॉपर वे से ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे हर वीकली एक्टिविटीज़ होता है, सॉफ्ट स्किल क्लासेस एंड वीकली टेस्ट भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। 20वीं सदी में कंप्यूटर क्षेत्र में आई क्रांति के कारण सूचनाओं की प्राप्ति और इनके संसाधन में काफ़ी तेजी आई है। कंप्यूटर क्षेत्र में आई इस क्रांति के कारण आज लगभग सभी क्षेत्र का कंप्यूटरीकरण संभव हो गया है। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक हो गया है कि शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के युवक और युवतियों को भी कंप्यूटर के इस्तेमाल में दक्ष किया जाए। यहाँ से कोर्स करने के बाद अपने कॉलेज आती हूँ और फिर वहाँ क्लासेस करके फिर अपने काम को प्रॉपर ढंग से कर पा रही हूँ, मैनेज कर रही हूँ धीरे धीरे। आज बच्चों को कंप्यूटर सीखना कितना जरूरी है? सर आज हम देखेंगे कि हम लोग कोई भी फील्ड में जाए, आज हर फील्ड में कंप्यूटर से काम किया जा रहा है, बिना कंप्यूटर कोई भी काम नहीं हो रहा है। आजकल अधिकतर काम ऑनलाइन हो रहा है जिसमें कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है, जिससे कंप्यूटर में ही हम लोग जितना डाटा वा डालते हैं फिर दूसरी तरफ भेजते हैं। तो कंप्यूटर सीखना हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं जानेंगे तो काम को नहीं कर पाएंगे और काम को आगे नहीं बढ़ा सकते। और डिजिटल का मतलब कागज का थ्रू तो नहीं होता है उसमें, क्योंकि हम लोग जितना भी काम करते हैं मोबाइल हुआ, कंप्यूटर हुआ, डिजिटल है, तो हम लोग उसमें अपना जो बात है या कुछ भी उसको डालते हैं। जैसे कि ऑनलाइन काम हुआ तो उसमें हम लोग डाल के उनके तरफ थ्रू पहुँचाते हैं, मोबाइल फ़ोन में बात करके पहुँचाते हैं, तो ये सारा डिजिटल वर्क है। लड़कियों को सीखना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे काम है जो डिजिटल है, और जैसे कि अगर हम डिजिटल कंप्यूटर सीखे हैं वो डिजिटल वर्क है, हम कोई स्कूल में जाके सिखा सकते हैं, और आजकल लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से आगे हैं। इस अभियान के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार झारखंड के शहर से लेकर गाँव तक की बड़ी जनसंख्या के बीच एक डिजिटल क्रांति प्रसारित कर सबको सूचना एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग में दक्ष कर रही है। खुद के लिए सर, खुद के लिए हम लोग मतलब कि अपने पैरों पर खड़े होने के लिए ही यहाँ मतलब कि कुछ भी जैसे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि मतलब कि मम्मी पापा से ही मांगते रहे, तो फिर यहाँ इसलिए आए कि ताकि कंप्यूटर सीख करके अपना पार्ट टाइम जॉब या कुछ भी अपना छोटा मोटा चीज़ खरीदने के लिए खुद का कमा सके, इसीलिए सर। पहले कुछ नहीं जानते थे, फिर यहाँ आके कौशल विकास में थोड़ा बहुत सीख गए। आजकल तो कंप्यूटर के बारे में बहुत ही ज़रूरी है, अभी पहले नहीं जानते थे कि ज़रूरी है, बल्कि अभी तो जान गए। यहाँ पर कंप्यूटर ट्रेनिंग दिया जाता है कौशल विकास के तहत, इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिली? नहीं, ऐसे तो माध्यम है, दोस्तों के माध्यम से मिल गए, और पोस्टर सब लगा हुआ था, देखते थे तो वहीं से सीख गए। सर्वप्रथम यहाँ आके एडमिशन ले ली, मैम से जानकारी ली, मैम हमको IT में एडमिशन लेना है, तो ठीक है, तो फॉर्म भर लीजिएगा, तो फॉर्म भरा तो जमा कर दिए, फिर कितने कल परसों क्लास आ जाइए, बोले फिर यहाँ से सीख गए बाद में। इस सेंटर में तो बहुत सारी ट्रेनिंग होती है जी, IT सेक्टर का भी होता है, इलेक्ट्रिशियन का भी होता है, फिटर का भी होता है, लेकिन आप IT सेक्टर को ही क्यों चुने? जी, मेरा मतलब शुरुआती से हमको बहुत मतलब शौक था कि कंप्यूटर सीखें, कह के देखते थे गांव घर में सबको ही सीखते हैं कंप्यूटर चलाता है, तो हमको भी अजीब टाइप का लगता है गांव में कोई नहीं चलाता है, तो कम से कम हम तो सीखें उसके साथ हैं। वैसे गांव का एरिया तो हम लोग का उतना ये नहीं है, उतना विकासशील नहीं है गांव के एरिया, तो सीख की वजह से तो हम सीखे तो कम से कम बच्चों को भी पढ़ा सके, जहाँ के सिखा सके कि कंप्यूटर से ऐसे ऐसे कुछ ना अच्छा होता है। बल्कि झारखंड राज्य के कोल्हान क्षेत्र के युवक एवं युवतियों को
कंप्यूटर प्रशिक्षण देकर एक नए डिजिटल युग के सपने को साकार कर रही है। ग्रामीण युवा के कंप्यूटर प्रशिक्षण से पूरे देश में डिजिटल संरचना का निर्माण होगा। कुछ दोस्त हैं जो हम लोग को बताए थे कि वहाँ कोर्स होता है बोल के, रोज दिन ट्रेन से आते हैं, देखते हैं यहाँ कोर्स होता है, तो हम लोग को भी मन करता था क्या होता है पता करने का। तो फिर पूछे एक दिन दोस्त से, तो बोला कि यहाँ आईटी का कोर्स होता है और बहुत प्रकार का कोर्स होता है फ्री में, तो वही चीज़ के लिए हम लोग को यहाँ से जानकारी मिल गई दोस्तों से पूछ के। कितने दिनों का ट्रेनिंग हुआ है? ट्रेनिंग मुश्किल से अभी तो शुरू किए हैं, 4-5 दिन हो रहा है। 4-5 दिन हुआ जी। जब आप एडमिशन लेने के लिए यहाँ आए, तो यहाँ सर्वप्रथम किस चीज़ का डिमांड किया गया आपसे? सर्वप्रथम तो यहाँ किसी चीज़ का डिमांड नहीं किया गया, सबसे पहले हम लोग कागज पत्र वगैरह कुछ नहीं मांगा गया, डॉक्यूमेंट सब मांगा गया था। क्या क्या मांगा गया उसी बताइए ना जी। आधार कार्ड, पासिंग सर्टिफिकेट जो हम लोग का ही है, फिर बैंक का ये मांगा गया था, बैंक जेरोक्स और फोटो मांगा गया जी। और एडमिशन फी वगैरह का नाम पर कुछ जी, एडमिशन फी वगैरह का नाम पर कुछ नहीं लिया गया। और क्या बताया गया? और यहाँ का मैं जो पढ़ाई होता है उस सब के बारे में बताया गया। यहाँ से पढ़ने के बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटी आती है बाहर से, उनके बारे में बताया गया था, प्लेसमेंट के बारे में बताया गया था। आप ये कंप्यूटर का ही ट्रेनिंग के लिए क्यों चुने आप? जी, और भी ट्रेनिंग यहाँ चलता है। कंप्यूटर का ट्रेनिंग के लिए हम इसलिए चुने क्योंकि हमको बचपन से ही कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट था। हम भी सोचते थे कि कंप्यूटर थोड़ा सीखेंगे, उससे कोर्स करेंगे, फिर अभी सब चीज़ कंप्यूटर से होता है तो सब चीज़ करने में ईजी होगा, उसके लिए हम कंप्यूटर का ये सीखें। कंप्यूटर के ज्ञान और उपयोग से गांव के लोग भी तेज गति की इंटरनेट से जुड़ेंगे तथा सरकार और उनके द्वारा मुहैया कराए जाने वाली सुविधा के सीधे संपर्क में आ जाएंगे। पहले तो स्टार्टिंग में दिक्कत होता है, जिसको कि बेसिक नहीं आता है, कंप्यूटर फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को सबको साथ में लेके चलना है, इसीलिए हम बेसिक से बताते हैं। जो भी ट्रेनर्स हैं यहाँ पे बेसिक पे पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद प्रॉपर वे से ट्रेनिंग दिया जाता है सर, प्रैक्टिकल थिंग्स कराया जाता है, जिससे कि 3 मंथ्स में एक जो कंप्यूटर फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए भी यहाँ पे वो पूरा सीख के जाते हैं। बच्चे यहाँ बहुत उत्साहित हैं और उनको यहाँ पे जॉब भी प्रोवाइड कराया जाएगा। हम लोग यहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद इन लोग को हम लोग प्लेसमेंट भी देते हैं, तो बच्चे यहाँ के बहुत ही उत्साहित हैं। ग्रामीण जनता जिन्हें अब तक कई कारणों से कागजी कार्रवाई करने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, अब उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सारी सुविधा खुद गांव में ही मिल जाएगी। तो आज के कार्यक्रम में हमने दिखाया कि किस तरह से सिमडेगा हॉकी क्षेत्र से झारखंड को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमने दिखाया कि किस तरह से कोल्हान क्षेत्र के युवक युवतियां आज कंप्यूटर प्रशिक्षण लेकर रोजगार की तरफ अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम में चलते चलते आप सभी दर्शकों से ये आग्रह करना चाहेंगे कि प्रतिनिधि का चुनाव करते हुए जरूर ये ध्यान रखें कि आप किस तरह के प्रतिनिधि का चुनाव कर रहे हैं जो हमारे देश को आगे बढ़ा सके। इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि अपने एक मत का आप प्रयोग करें, मतदान केंद्र तक पहुँचें और अपने वोट के अधिकार के जरिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करें और लोकतंत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।